आज डिस्कस करेंगे लेथ मशीन के ऑपरेशंस के बारे में, जो मेनली हम आज दो ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फेसिंग और टर्निंग के बारे में, कि फेसिंग और टर्निंग कैसे होती है लेथ मशीन के ऊपर। तो फेसिंग और टर्निंग के अंदर होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फेसिंग की, कि जो फेसिंग है इसके अंदर क्या होता है, फेसिंग ऑपरेशन की। फेसिंग ऑपरेशन के अंदर हमारा जो एक चक होता है, इस चक के अंदर जॉब को होल्ड किया जाता है। मान लीजिए जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब होती है, इसको होल्ड किया जाता है। यह है चक। चक किस काम आता है? जो हमारा वर्क पीस है उसको होल्ड करने के कारण। और ये क्या है? सिलेंड्रिकल रोड, सिलेंड्रिकल रोड। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारे पास इसके अंदर होता है। ये क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पॉइंट कटिंग के काम आता है, इसलिए हम सिंगल पॉइंट इसको कटिंग टूल बोलते हैं। तो फेसिंग के अंदर होता क्या है? फेसिंग के अंदर जो ये रोड का फेस होता है बिल्कुल सामने वाला, इसको हम प्लेन करते हैं। तो इसके लिए जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसको हम एक बार इस तरह का मोशन देने के बाद, जब ये इसे टच कर जाता है और हल्का सा फीड देके हम इसको ये वाली फीड देते हैं, इस तरफ ऊपर की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ऊपर की फीड देते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ये फेस सारा प्लेन हो जाता है और ये रोटेट करती है जो चक के साथ। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये इसको हम उस तरफ की फीड दे देंगे, पहले ये वाली फीड देंगे और फिर ये वाली फीड देने के बाद इसका फेस को हम प्लेन कर देंगे। तो इसलिए इसको हम फेसिंग बोलते हैं, कि इसके फेस को प्लेन करना वो होता है फेसिंग ऑपरेशन। और टर्निंग के अंदर क्या होता है? टर्निंग, टर्निंग हमारा होता है डायामीटर को रिड्यूस करना, डायामीटर को रिड्यूस करना, उसको हम टर्निंग बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल रोड है, मान लीजिए ये रोड है, इसका डायामीटर है 20, हम करना चाहते हैं इसका डायामीटर 18, तो वो किससे होगा? टर्निंग की हेल्प से। टर्निंग हमारे पास मेनली तीन तरह की होती है। सबसे पहले होती है प्लेन टर्निंग, प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग में क्या होता है? प्लेन टर्निंग में जो हमारे पास सिलेंड्रिकल जॉब है, मान लीजिए इसका डाया जो हमने अभी एग्जांपल लिया 20 है, हमें इसको 18 करना है, 18 mm। तो जो हमारा टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा, जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये मान लीजिए हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इस तरह का। अब इसको हम इस तरफ की फीड देते हैं। पहले हम जैसे 20 है तो हम इसको ऊपर 2 mm कर देंगे, 2 mm की फीड देंगे पहले ये वाली। 2 mm की फीड देने के बाद या 1 mm की फीड देने के बाद, अकॉर्डिंग टू जो लेथ मशीन है, तो 1 mm की भी दे सकते हैं, 2 mm की फीड देने के बाद इसको हम इस तरफ की फीड देते हैं, जिससे राइट से लेफ्ट की तरफ, चक की तरफ चलता है टूल, और इसका जो डायामीटर है वो कम हो जाता है, मीन्स ये हो जाता है 18 mm का। अगर हम 1 mm की देंगे तो हमको ये काम दो बार करना पड़ेगा, 1 mm की फीड अंदर की तरफ, फिर पूरा ट्रैवल करेगा टूल, फिर 1 mm की फीड अंदर की तरफ, फिर पूरा ट्रैवल करेगा टूल चक की तरफ। तो इस तरह से हम प्लेन टर्निंग कर सकते हैं, कि पूरी जो रोड है उसका डायमीटर हमें कम करना है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन टर्निंग। दूसरी होती है हमारे पास स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग में क्या होता है? स्टेप टर्निंग में अगर हमारे पास कोई रोड है, मान लीजिए इस तरह की रोड है, और हम इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टेप बनाना चाहते हैं अलग अलग डाया के, जैसे कि ये 20 का है और मुझे रोड जो बनानी है वो इस तरह की बनानी है, काफ़ी सारे इसके अंदर
मुझे स्टेप तैयार करने हैं इस तरह के अंदर कि ये 20 हो जाए, ये हमारा 10 हो जाए, ये हमारा 5 हो जाए, तो अलग अलग स्टेप टर्निंग के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ये 20 वाला डायमीटर तो हमारे पास है ही, पहले हम सारा कम करेंगे, सारी रोड का जो हमारा टूल होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसको हम फीड देंगे पहले इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसको एक्स और जेड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं आप, कि एक्स में देंगे फिर जेड में देंगे। तो क्या होगा, पहले तो सारी रोड का यहाँ तक डायमीटर कम कर लेंगे जितनी हमें लेंथ तक करना है। तो हम पहले 10 वाला स्टेप बनाएंगे और फिर हम 5 वाला स्टेप बनाएंगे, तो 20, 10 और 5 का स्टेप हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो ये भी इसी तरह से हम करेंगे, बस स्टेप वाइज करेंगे, प्लेन टर्निंग की तरह ही है लेकिन इसके अंदर स्टेप वाइज हमें करना है। पहले जो बड़ा डाया है वो क्रिएट करना है, फिर छोटा डाया क्रिएट करना है रोड के ऊपर, तो इसको बोलते हैं स्टेप टर्निंग। थर्ड है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग कैसे करते हैं, टेपर टर्निंग के अंदर जो हमारी रोड होती है वो इस तरह से तिरछी होती है, मींस एक टेपर हमने उसको एंगल दिया होता है। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एक टूल ही बना लें, एक फॉर्म टूल बना लें इसी तरह का जैसे हमें टर्निंग करनी है, तो हम इसको फीड दें, इस तरफ की फीड दें और इस तरफ की फीड दें। तो क्या होगा, दोनों तरफ की हमें फीड देनी पड़ेगी एक्स और जेड डायरेक्शन में, तो ये जो टूल है इसके ऊपर मूव करेगा और इसको टेपर टर्निंग कर देगा, कि टूल की शेप ही हम ऐसी बना दें कि वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर टेपर टर्निंग कर दे, इसकी शेप इस तरह से एंगल में हम बना दें। तो जब हम इसको फीड देंगे तो पहले ये पॉइंट कॉन्टेक्ट में आएगा तो यहाँ से कम हो जाएगा, फिर ये आएगा इस तरह से, जब हम फीड देंगे तो कम हो जाएगी। तो एक तो है ये, दूसरा क्या है, हम जो हमारी कंपाउंड रेस्ट होती है, कंपाउंड रेस्ट जिसके ऊपर ये टूल लगा होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है, उसको ही हम एक एंगल पे स्वाइवल कर दें। ये हैंडल है कंपाउंड रेस्ट का, ये हैंडल, अब इस हैंडल को ही हम इस कंपाउंड रेस्ट को स्वाइवल कर दें, मींस कोई एंगल दे दें। तो जब हम इसको एंगल दे देंगे तो जो ये रोड है, अब इस एंगल पे जब ये मूव करेगा टूल, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से तिरछा उसको काटता चला जाएगा, तो दोनों तरफ से हमारे पास एक टेपर रोड बन जाएगी। तो कंपाउंड रेस्ट को भी हम कोई एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर हम फीड स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई हम फोम टूल बना लें उसके थ्रू भी हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं, कि टूल की शेप को ही हम ऐसा दे दें कि जब हम एक टर्निंग की तरह इसको ऊपर फीड दें तो अपने आप ही ये जनरेट हो जाए। तो कई तरह से हम टेपर फीड इसको दे सकते हैं और टेपर रोड तैयार कर सकते हैं। तो ये थी फेसिंग और टर्निंग ऑपरेशन लेथ मशीन के ऊपर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।